नमस्ते, इंडियन कुकिंग रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं नींबू का अचार। तो शुरू करते हैं नींबू का अचार बनाना। नींबू का खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 25 नींबू लिए हैं। इनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इनके बीज हटा दिए हैं। 250 ग्राम मैंने शक्कर ली है। यहाँ पर मैंने 5 से 6 नींबू का रस निकाल लिया है, इसमें से भी मैंने बीज हटा दिए हैं। 1.5 छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ली है। 1 छोटा चम्मच मैंने जीरा लिया है। 1/2 छोटा चम्मच मैंने दालचीनी पाउडर ली है, इसको मैंने दालचीनी को दरदरा पीस लिया है। 10 काली मिर्च को मैंने दरदरा पीस लिया है। हींग लिया है 1/2 छोटा चम्मच। 5 मैंने लौंग ली है, इनको भी मैंने दरदरा पीस के लिया है। और 1/2 छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ली है और नमक लिया है मैंने स्वाद अनुसार। तो शुरू करते हैं नींबू का अचार बनाना। नींबू का अचार बनाने के लिए हम ये नींबू लेंगे। नींबू को मैंने 1 नींबू के 8 पीसेस में काट लिया है। काटने से पहले मैंने इनको अच्छे से पानी से धो लिया था और पोंछ लिया था। नींबू काटते टाइम ये ध्यान देना है कि उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारा अचार जो है वो ख़राब हो सकता है। और मैंने यहाँ पे 1 नींबू के 8 पीसेस कर लिए थे। अगर आपको बड़े पीसेस चाहिए तो आप 1 नींबू के 4 पीसेस भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो नींबू लिया है वो आप देख सकते हैं कि वो एकदम पतले छिलके वाला है। इसी पतले छिलके के नींबू से ही हम नींबू का अचार बनाएंगे। इसमें रस भी ज़्यादा निकलता है और ये जल्दी गल भी जाता है, तो हम इसी नींबू से अचार बनाएंगे। और जो हम नींबू लेंगे वो बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, उनमें दाग बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो अब हम सबसे पहले ये जो मैंने नींबू लिए थे इनमें हम सारे मसाले एक एक करके मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने 1.5 छोटा चम्मच ली थी। ये कम स्पाइसी है, अगर आपकी लाल मिर्च ये स्पाइसी है तो आप 1 छोटा चम्मच ले सकते हैं। मैंने इस साइज़ का ये 1.5 छोटा चम्मच लिया है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा लेंगे। जीरा को हम हाथ से ही इस तरह से क्रश करके फिर हम इसमें ले लेंगे। इससे जो है वो नींबू का स्वाद बढ़ता है नींबू के अचार का। फिर हम इसमें ये जो मैंने दरदरा कुटी हुई 5 लौंग थी इसको हम इसमें ले लेंगे। फिर हम इसमें ये जो मैंने हल्दी पाउडर ली थी 1/2 छोटा चम्मच इसको ले लेंगे। हल्दी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बस कलर के लिए हमें हल्दी लेनी है। फिर हम 1/2 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर, इसको भी मैंने दरदरा कूट लिया था। फिर हम ये जो मैंने काली मिर्च ली थी, ये 10 काली मिर्च है, इतनी ही हम लेंगे 20 नींबू के हिसाब से, इसको भी हम इसमें ले लेंगे। और फिर हम जो मैंने ये 1/2 छोटा चम्मच हींग लिया था इसको भी हम इसमें ले लेंगे। और लास्ट में हम इसमें मिलाएंगे नमक। नमक हम स्वादानुसार लेंगे, पर हम जितना नमक लेते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा नमक हम इसमें लेंगे। अब हम इसमें आखिरी में ये जो मैंने नींबू का रस निकाल के रखा था, ये 5-6 नींबू का रस है और इसमें से भी मैंने बीज हटा दिए थे, इसको हम इसमें ले लेंगे। नींबू का रस मैंने इसलिए लिया है कि नींबू का रस हम जब लेंगे तब हमारे ये जो मसाले है वो ये नींबू में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, इसलिए हम इसमें नींबू का रस ले लेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ध्यान देना है कि जब भी हम नींबू का अचार बनाते हैं, इसलिए जो भी बर्तन या चम्मच हम यूज़ करते हैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारा जो अचार है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए साफ़ सुथरे बर्तन का ही हम यूज़ करेंगे जिसमें पानी बिल्कुल ना हो और नमी बिल्कुल भी ना हो। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो नींबू का अचार है उसमें जो मसाले मैंने लिए थे वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इनको 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जब तक कि इसमें से जो ये नींबू है वो रस ना छोड़ दे और ये जो इसके छिलके हैं नींबू के वो सॉफ्ट ना हो जाए। फिर 2 दिन के बाद हम इसको चेक करेंगे। अब हमारे अचार को गले हुए 2 दिन हो चुके हैं। ये हमारा अचार जो है वो थोड़ा सा गल चुका है और आप देख सकते हैं कि इसके जो ये नींबू के छिलके हैं वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। शक्कर हम ज़रूरत के हिसाब से मिलाएंगे, जैसे हमें मीठा पसंद है
यहाँ पे मैंने लगभग 250 ग्राम शक्कर ली है। आपको जिस तरह से मीठा पसंद है आप उस हिसाब से शक्कर ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। शक्कर को मिक्स करने के बाद हम एक एयरटाइट कंटेनर में इसको भर के रखेंगे और इसको धूप दिखाएंगे। अगर आपको धूप नहीं दिखानी है तो ये अचार को आप, जैसे मैंने ये शक्कर मिक्स करी है, उसके बाद आप किसी भी एक बर्तन में लेके गैस के ऊपर एक उबाल आने तक इसको गरम कर लेना है। एक उबाल से ज़्यादा उबाल नहीं लेना है, नहीं तो ये जो हमारे नींबू के जो टुकड़े रहते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं रहते हैं। अब हमारी शक्कर जो है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। हम इसको और मिक्स करते हैं। जब तक ये पूरी तरह से मिक्स ना हो जाए तब तक हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसे एक एयरटाइट कंटेनर में भर के रखेंगे। अब हम ये अचार को ये एयरटाइट कंटेनर में भर के रखेंगे और ध्यान देना है कि हम जिस भी बर्तन में इसको अचार को लेंगे वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो हम इसमें स्पून यूज़ करेंगे उसमें भी पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब हम ये जो अचार है इसको मैंने कांच की एक बर्नी में भर के रखा है। अब हम इसको ऊपर एक कॉटन का कपड़ा बिछाएंगे। कॉटन का जो कपड़ा बिछाएंगे वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए और उसके ऊपर से हम एक रबर लगा देंगे और इसको हम 5 से 6 दिन के लिए धूप दिखाएंगे, धूप में रखेंगे। इसके ऊपर हम जो इसका ढक्कन है वो नहीं लगाएंगे क्योंकि हम जब धूप दिखाते हैं तब इसकी भाप बन के वो ढक्कन पे आ जाती है और वो जो पानी है वो अचार में गिरता है, इससे हमारा अचार ख़राब हो सकता है। इसलिए हम इसको कपड़े से ढक के रखेंगे और इसको अब हम 5 से 6 दिन के बाद चेक करेंगे। अब हमारे ये नींबू के अचार को मैंने 6 दिन तक धूप में रखा था, ये अब हमारा अचार बन चुका है। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा बना है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप 2-3 दिन के लिए इसको और धूप दिखा सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।